नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जो कई सालों से मेरी जानकारी में लगभग 14 सालों से भाई विजय सिंह उनके सभी साथी यहाँ माता का आगमन करते हैं। आज दुर्गाष्टमी है, कल नवरात्रि होगी और माता रानी यहाँ ला करके 9 दिन जो पूजा पाठ करवाते हैं, उससे एक ही प्रेरणा मिलती है कि जब भी बुराइयों पे अगर उसको ख़त्म करना है, इतनी अच्छाइयाँ की जाएं कि बुराई अपने आप ख़त्म हो जाए, और उसी को लेकर के यहाँ पूजा करते हैं और परसों रावण रूपी विचार जो है सबको उसको जला देने का संकल्प करते हैं। मैं विजय सिंह उनके तमाम साथियों को शुभकामना देना चाहूँगा और आज मैंने एक अपील की है माता के मूर्ति के सामने कि हमारे भोजपुरी समाज में जो फूहड़पन है, जो अश्लीलता है, ये कोई गायक न गावें, ये कोई गीतकार ऐसे गीत न बनावें, उनसे मैंने प्रार्थना की। हम 14 साल से माता जी का यहाँ पे चौकी लगा रहे हैं, साथ में हम ब्लड डोनेशन, दूसरे गरीबों को खाना खिलाना, दूसरे और कई अन्य कार्यक्रम भी होता है यहाँ पे। शेड्यूल ये होता है कि मैं 10 के 10 दिन यहीं रहता हूँ, 24 घंटा सिर्फ स्नान करने के लिए जाता हूँ, बाकी 24 घंटे। आज कई महिलाओं को आपके संस्था द्वारा सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र की महिलाएं थी, किस प्रकार से उनका चयन किया गया, क्या सम्मान? अनेकों क्षेत्र की थी, डॉक्टर थी, लेखिका थी, पत्रकार थी, साहित्यिक थी, कविताएं करने वाली थी, सब प्रकार की थी महिलाएं। ये क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि माता जी का भक्ति करो, सबको एक समान समझो, प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार में रहो। हर बार संजय जी रुपम जी यहाँ दर्शन करने आते थे, इस बार दिखाई नहीं दी, इस बार दिखाई दी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने निरुपम जी से संपर्क किया था तो कहीं मीटिंग में थे वो, और भैया समय के पाबंद है, भैया समय पे आ गए तो उनके बदल लिया है। नहीं 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 नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी मुंबई प्रवासी संघ ये अपनी खुद की एनजीओ है, मैं एनजीओ के माध्यम से ही कार्य करना चाहता हूँ। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।